बात कर रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक में, है तो छोटा सा बच्चों का टॉपिक लेकिन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े भी इसमें मार्क आ जाते हैं। तो ये इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, कई बार आपके घर में गेस्ट आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपके पापा के नाम की स्पेलिंग बताओ, तो आपको पता होती है आप बता देते हो, लेकिन कोई ऐसा नाम पूछ लेते हैं उसकी स्पेलिंग बताओ, वो आप बता नहीं पाते हो। क्यों नहीं बता पाते हो, उसका कारण होता है कि आपको हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर है उसको इंग्लिश में कैसे क्या बोलते हैं अच्छी तरह से पता नहीं होता है। तो इस बारे में आज बात करेंगे हम, हिंदी वर्णमाला के अक्षर को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है, हिंदी में आता है क। देखिए प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत अधिक महत्व है, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, कई जने होते के बोलेंगे इसको, के ऐसे बोलेंगे, बट एक्चुअल वर्ड क्या क। देखिए क में क्या जुड़ा हुआ है, अ। विशेष बात ध्यान रखिए, क में कौन सी ध्वनि जुड़ी हुई, अ, क, ये लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, के क होता है के से बनता है, के ए, के साथ में जोड़ेंगे ए, ये हो गया क। अब आप कहेंगे ए क्यों जोड़ा इसमें, तो यदि सिर्फ हम के लिखेंगे ना, यदि हम सिर्फ के लिखते हैं तो ये आधा क होता है, ये होता है आधा क, क्वी क्वी आधा क, उसमें सिर्फ के लिखते हैं, यदि पूरा क लिखना है तो उसमें हमेशा अ जुड़ेगा, ठीक है ना, के ए। अब बात आती है ख की, देखिए हमेशा एक अक्षर सीधा चलेगा और दूसरे अक्षर के साथ एच जुड़ेगा, एकदम सिंपल है, ख ख के एच ए ख। देखिए ख में भी अ की ध्वनि आ रही है, हर अक्षर के बाद में अ की ध्वनि आएगी, ख ख ग, ग बनता है जी से, ग बनता है जी से, ग जी ए जी ए, और इस तरह से आएगा उसका अगला घ घ जी एच ए जी एच ए। इसको एक बार छोड़ देते हैं, बहुत कम काम आता है। अब आगे आते हैं च, चम्मच, च से चम्मच, च च होता है सी एच ए। देखिए इन सबके लास्ट में अ की ध्वनि है, बार बार बता रहा हूं, सी एच ए च। अब है छ, सी डबल एच ए सी डबल एच ए, ज जे ए ज, झ झ जे एच ए झ, च छ ज झ न, इसको एक बार छोड़ देते हैं, बहुत ही कम काम में आने वाले वर्ड है, इसलिए आगे चलते हैं। ट, ट बनता है टी से, टी ए ट, फिर आता है ठ, टी एच ए ठ, ड, ड मतलब डी, डी से आ रहा है, देखिए ध्वनि पकड़ी है, डी ए ड, फिर ढ, ढ से ढक्कन, डी एच ए ढ, ण एन ए ण। अब आगे चलते हैं त, त से तरबूज, त टी ए, देखिए विशेष बात है, ट का भी टी ए होता है और त का भी टी ए होता है, इंग्लिश हिंदी में दोनों अलग अलग होते हैं, ट, ट से टमाटर, त से तरबूज, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए टी ए ही यूज में किया जाता है, थ टी एच ए थ, द, द से दवार, द डी ए ध, डी एच ए न एन ए न। देखिए ये दोनों लाइन एकदम सेम है, विशेष ध्यान रखिए इस चीज का, ट टी ए त भी टी ए, ठ टी एच ए थ भी टी एच ए, द ड, ड से डमरू डी ए और द से दवात भी डी ए, ध, ध से ढक्कन डी एच ए और ध से धनुष ये भी डी एच ए, अण एन ए और न एन ए, ये दोनों लाइनें हिंदी में अलग अलग उच्चारित की जाती है, लेकिन इंग्लिश में इनका जो वर्ड है, जो लेटर लिखा जाता है वो एक ही होता है, त और ट, ठ और थ, ड और ध, ध और ध, ण और न, ये एक ही होता है। देखिए आगे चलते हैं, प, प, प मीन्स पी, और अ की ध्वनि आ रही है, मतलब आगे लगा देंगे ए, पी ए प, फ, फ, देखिए फ होता है इसमें भी पी एच ए फ, देखिए हर आगे वाले अक्षर में पीछे का अक्षर इंक्लूड है, बार बार इसी को ध्यान रखिए, फ में हम एफ भी आ रहा है तो कई बार हम इसे एफ ए भी लिखते हैं, कई बार हम इसे एफ ए भी लिखते हैं, फ, ब, ब, बी ए ब, भ,
सब के पीछे अ की ध्वनि आ रही है, भ अ बी एच ए भ, फिर म एम ए म, आगे चलते हैं य वाई, य में वाई की ध्वनि आ रही है, य वाई ए य, र आर ए र, ल ल एल ए व, व में ज्यादातर हम वी ए यूज करते हैं लेकिन कभी कभी डब्ल्यू ए भी यूज करते हैं, व श, देखिए इस श श और स इसमें बहुत अधिक कंफ्यूजन है, बहुत लोग इसमें अधिकतर को आप उल्टा बोलते दिखेंगे, उच्चारण की बात करें तो श शलगम श शलगम, श शटकॉन, स सरगम, सपेरा, सलेट, ये वर्ड आते हैं लेकिन अधिकतर किसी भी स्टेट की बात करूं अधिकतर इसको उल्टा बोलते हुए दिखेंगे, सलेट को शलेट बोलेंगे और शलगम को सलगम बोलेंगे, ऐसे बहुत सा आता है ना, ये तो कोई पर्टिकुलर वर्ड है तो हो सकता है वो सही भी बोलते हैं लेकिन कहीं और दूसरे वर्ड में आप देखिएगा, कभी भी मेरी बात पे गौर करिएगा, ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, कभी कभी आप अच्छे यूट्यूबर का वीडियो देख रहे होंगे आप देखिएगा इस चीज को, ये चीज हमेशा गलती अधिकतर करते हैं तो इसको बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए आप श है ये एस एच और अ की ध्वनि आ रही है तो ए लगाएंगे, श शाइन शा, ठीक है ना, शंकर एस एच ए श, षटकोण में भी सेम ही ध्वनि आती है हिंदी में, इंग्लिश में सेम लिखते हैं एस एच ए श, स सिंपल है एस ए, सलेट एस ए, सरगम एस ए आर, ठीक है ना, इस तरह की ह एच ए ह एच ए। अब इसको देखो ये वर्ड है क्षत्रिय, श क्षत्रिय, कई जने आपको क श ऐसे बोलते मिलेंगे लेकिन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन तो वही रहेगा, के हमेशा साइलेंट होता है इसमें, आपने देखो के हमेशा इसमें साइलेंट होता है तो क्षत्रिय के एस एच के एस एच ए क्षत्रिय, ठीक है ना, त्र त्र से त्रिशूल होता है टी आर ए त्र, ग्य ग देखिए ग्य ग्य से क्या निकाल, ग में जी आ रहा है ग्य वाई आ रहा है और ए तो आता ही है ग्य, तो ये व्यंजन हमने पढ़े, इंग्लिश में इनको कैसे लिखा जाता है आप इसको दो दो तीन तीन बार लिखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए, इसके बाद आगे मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे और कैसे नाम बनाए जाते हैं, कैसे बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं, कैसे स्पेलिंग्स बनाई जाती है, ये भी इससे ही आपको आएगा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।